नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र और आप देख रहे हैं 99TradeXpo का YouTube चैनल। तो दोस्तों, आज मैं आया हूँ दिल्ली के मायापुरी इंडस्ट्रियल एरिया फेज़ टू में आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट मशीनें लेके, जो यदि आप इसका बिजनेस करते हैं या करना चाहते हैं, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। तो अंत तक बने रहिए और देखते रहिए 99TradeXpo का YouTube चैनल। तो आपका बिना टाइम वेस्ट किए हुए मैं दिखाता हूँ, आज लेके आया हूँ रॉयल टाइल्स मशीनरी, जो कि सी 275 मायापुरी फेज़ टू न्यू दिल्ली में अवेलेबल है। और आप आइए, अंदर ले चलते हैं, कुछ मशीनों के बारे में आपको दिखाते हैं, मशीनें दिखाते हैं, चला के भी दिखाएंगे आपको, यहाँ के ओनर से भी बात कराते हैं। दोस्तों, आपको सारी जानकारी इस वीडियो में मिलेगी। आइए, हम आपको आते हैं कि दूसरी मशीनें दिखाने के लिए, जो कॉन्क्रीट से रिलेटेड है, टाइल्स बनाने के लिए होती है। ब्लॉक, ब्रिक और एक्स वाई जेड कस्टमाइज जो आप चीज बनाना चाहते हैं पेवर के, जो ज़मीनों में जो लगते हैं, जो आपने देखा होगा, जो फुटपाथ पे, पेट्रोल पंप पे, पार्किंग में, जो अपने घरों में लॉन में भी लगा लेते हैं, खूबसूरत लगती है वो। स्पैन भी अच्छी होती है और वाटर ड्रॉप करने से वाटर टेबल भी ख़राब नहीं होता। तो ये मशीन भी है जो धमाल मचाने के लिए पूरे हिंदुस्तान के अंदर हमने सबसे पहले बनाई है। ये मशीन भी हाइड्रोलिक टाइप की है, जो इसके अंदर ऑपरेटिंग करने के लिए 5 सिलेंडर होते हैं, जो एक मेन सिलेंडर होता है उसको ऑपरेट करने के लिए। तो ये मशीनरी का जो मेन है, जो इसका इलेक्ट्रॉनिक बॉक्स है, जो इससे हमारे यहाँ बटन लगाते हैं और बटन दबाने के बाद मशीनरी को कॉम्प्रेस करके स्टील का मोल्ड होता है, जो कॉम्प्रेस करने के बाद निकाल देते हैं और यहाँ पर हाइड्रोलिक जैक लगा हुआ है, जो हमारे ये रॉड को ऑपरेट करके इस पीस को इस तरीके से निकालते हैं। ये हमारी डाइयाँ इस तरीके से जो इसके अंदर ऑपरेट होती है, जो आप इस तरीके ये और ये कॉन्क्रीट का ग्लोब, ये सब आप बना सकते हैं इसके अंदर, जो आपने देखा होगा फुटपाथों पर लगा हुआ देखा होगा, पेट्रोल पंप पे भी लगता है ये पेवर ब्लॉक। डिफरेंट डिफरेंट डिज़ाइन के बना सकते हैं, ये भी बना सकते हैं आप मन चाहे, ये बना सकते हैं, ये आजकल निगम पंचायत, ग्राम पंचायत और अपना गांवों देहातों में ये हर जगह लग रहा है मशीन मोल्ड, आपका ये पीस लगता है। ये स्टील टाइप का मोल्ड होता है, जो बहुत हैवी होता है, जो नॉर्मल लोहे के मुकाबले में 10 टाइम्स लाइफ होती है इसकी, जो हार्ड एंड होता है उसको टेम्पर करके बनाया जाता है। हाँ, तो हम आपके मशीनरी के बारे में बता रहे थे, ये हाइड्रोलिक वॉल जो ऑपरेट करने के लिए होता है, रिवर्स करेंगे या फॉरवर्ड करेंगे तो ये जैक ऑपरेटिंग होती है नीचे और ऊपर करने के लिए। दूसरा वाला एक जैक है, ये रिवर्स और फॉरवर्ड करने के लिए, तो इसमें ये अपना अप और डाउन होता है, ताकि पीस आपका स्मूथ निकल जाता है और डाई की लाइफ बनी रहती है। डाई की लाइफ बनी होने से आपकी क्वालिटी बढ़िया होगी और स्ट्रेंथ बढ़िया आती है प्रोडक्ट की आपकी। ये ले लीजिए ना, ऐसे करते तो दोस्तों, आप देख रहे हैं रॉयल स्टाइल्स मशीनरी में, अब हम यहाँ के ओनर से मिलाते हैं और ये कंपनी के बारे में जानते हैं, कितनी पुरानी कंपनी है, कैसे वर्क कर रहे हैं, कितना टाइम हो गया इनको वर्क करते हुए, क्या क्या फैसिलिटीज़ हो सकती है। तो आइए, बिना आपका टाइम वेस्ट किए हुए हम डायरेक्ट बात करते हैं यहाँ के ओनर मिस्टर मुदस्सिर सर से। आइए। हेलो सर, कैसे हैं सर? गुड मॉर्निंग। तो सबसे पहले सर, हमारे व्यूअर्स से थोड़ा आप बताइए, अपनी कंपनी के बारे में बताइए, कैसे डील कर रहे हैं, क्या आपका है प्रोसीजर, आप इनके बारे में बताइए। सबसे पहले तो गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग सर। हम लोग ये यहाँ पर फैक्ट्री को ऑलमोस्ट समझे, हमने एक्सपीरियंस 25 से 30 साल हो गए, ये हमारा काम पुरखों से चला रहा है, हमारे बाप से, और हम लोगों का एक्सपीरियंस इतना हो गया है कि जैसे कि
नई शुरुआत जब हुई थी उस टाइम पे डेवलपमेंट हमने काफ़ी चीज़ों को किया है। अब लोग अब ये नई नई चीज़ों को ईजाद करके हमने मशीनरी डेवलप की हैं, जैसे टाइल्स की मशीनरी हैं। आजकल घर बनाने के लिए बड़े बड़े ब्लॉक की ज़रूरत पड़ती है लाल ईंट की जगह, तो वो लाल ईंट की मशीनरी बनाई हमने, जैसे ब्लॉक कॉन्क्रीट ब्लॉक जिसको हॉल ब्लॉक भी बोलते हैं। डिज़ाइनर टाइल्स मशीनरी भी हैं, कॉन्क्रीट मिक्सर भी हैं जो कंस्ट्रक्शन में यूज़ होते हैं, एंड उसमें जो कॉन्क्रीट प्रोडक्ट में जो मोल्ड होते हैं, जो सांचे जिसको वो डाई भी बोलते हैं, उस चीज़ को ही बनाई जाती है ताकि उससे क्वालिटी आपकी इम्प्रूव हो जाए और बढ़िया चीज़ें बने। पहले कॉन्सेप्ट होते थे हाइड्रोलिक टाइप में, जिसमें स्ट्रेंथ क्वालिटी फिनिशिंग होती थी, अभी इजी टू मूव कर दिया गया है ताकि लोकल लेबर भी आराम से काम कर सके। इस मोल्ड से फिनिशिंग भी, स्ट्रेंथ भी और क्वालिटी बहुत अच्छी बनती है। आम तरीके से अगर आधे दिन की एक दिन की ट्रेनिंग लें तो आप उस प्रोडक्ट को बना सकते हैं। और ये आपका किस सन में आपने स्टार्ट किया था कंपनी? ये मशीनरी मैन्युफैक्चरिंग का जो हमने यूनिट लगाया था, इसको मुझे लगाए हुए करीब हो गए 15 साल होने को हो गए। अच्छा, 15 साल। और आपको इस फील्ड में वर्क करते हुए कितना टाइम हो गया? इस फील्ड में वर्क करते हुए करीब 25 साल होने को आ गए। 25 साल मतलब समझ लीजिए, मैंने जब 10th कर रहा था तो उस टाइम में मुझे शौक था काम करने का, कुछ नया करने का, कुछ नया डेवलपमेंट करने का, कुछ हिंदुस्तान के लिए कुछ नया करने का। तो इस वजह से मैंने कुछ चमत्कारी तरीके से कुछ चीज़ों को आविष्कार किया है जो आज आपके सामने हम प्रोड्यूस करेंगे। बिल्कुल जी दोस्तों।